हरियाणा के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। लोकसभा प्रचार के रण में उतरेंगे 40 स्टार प्रचारक। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम सबसे ऊपर है। लिस्ट में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हरियाणा में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा के सीएम, पूर्व सीएम समेत हरियाणा बीजेपी के दिग्गज प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें, लोकसभा प्रचार के रण में उतरेंगे 40 स्टार प्रचारक। आपको बता दें कि हरियाणा में छठवें चरण में मतदान होना है, 25 मई को मतदान होना है, 4 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएंगे तमाम सीटों पर। और आपको ये भी बता दें कि उससे पहले चुनाव प्रचार जो है वो जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ गई है। हरियाणा के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। लोकसभा प्रचार के रण में 40 स्टार प्रचारक नजर आएंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम सबसे ऊपर है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आएंगे। लिस्ट में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी हैं। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हरियाणा में प्रचार करेंगे। जब राजस्थान में चुनाव होने थे, उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए थे। अब हरियाणा की बारी है तो हरियाणा के सीएम, पूर्व सीएम समेत हरियाणा बीजेपी के दिग्गज भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि रैली जो है वो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरफ से लगातार की जा रही है। तो हरियाणा के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, स्टार प्रचारकों की भूमिका काफी अहम होती है। बीजेपी ने हरियाणा के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री का नाम सबसे ऊपर है। किस तरह से देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से राष्ट्रीय, देखिए चुनाव प्रचार यौवन पर है और लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने शुरुआती तौर पर ही बढ़त बनाई हुई है। पहले, सबसे पहले जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, करीब महीना भर हो चला है जब उनके उम्मीदवार सामने आ चुके थे। और साथ साथ देखिए, विजय संकल्प रैलियों के जरिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार अपने जो पार्टी प्रत्याशी है उनके चुनाव प्रचार के लिए जुटे हुए हैं। कार्यकर्ता बैठकों का दौर भी चल रहा है, अलग अलग जो इन्होंने मोर्चे बना रखे उनकी भी बैठकें हो चुकी है। और ऐसे में अब नामांकन का दौर चल रहा है। देखिए, आज सर्वाधिक नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं पूरे, अगर 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो। और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने ज्यादा नामांकन अब तक किए हैं और अब स्टार प्रचारकों के सहारे जो है वो चुनाव प्रचार को तेज गति से आगे दौड़ाया जाएगा। और इस कड़ी में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है, अपने 40 जो एक स्टार प्रचारकों की सूची 40 सदस्य जारी की है, जिसमें मुख्य चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। सबसे पहला नाम उन्हीं का है। और दूसरी अगर बात करें तो जेपी नड्डा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्रीय गृह मंत्री है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, और साथ साथ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन लाल यादव, और साथ साथ उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री है, अपने चुनाव प्रचार के बाद वे हरियाणा में ही, देखिए उन्होंने अमेठी से चुनाव वे अपना लड़ रही हैं और उसके बाद वे हरियाणा में ही आएंगी। और साथ साथ अनुराग ठाकुर और हेमा मालिनी भी चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में आएंगी। और इस लिस्ट में एक और खास बात है राष्ट्रीय, देखिए कुलदीप बिश्नोई, अब तक उन्हें नाराज माना जा रहा है कि वे नाराज हैं और आज नामांकन में भी वे नहीं आए, उनकी नाराजगी है ही। और भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई, और खासतौर पर कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिला, इसलिए उनकी नाराजगी दूर करने के लिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके आवास में दिल्ली में भी गए थे और वे अब तक अपने आप को सीमित किए हुए थे केवल आदमपुर विधानसभा क्षेत्र तक की। अब उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वे स्टार प्रचारक के नाते पूरे प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर और एक सीट जो करनाल विधानसभा की है वहां के लिए भी इस लिस्ट में नाम है कि वहां भी प्रचार होगा, तो उनमें शामिल किया गया। और एक और महत्वपूर्ण नाम देखिए, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम है, जिसमें वे भी अपने आप को अंबाला तक ही सीमित किए हुए थे, अब तक कहीं और नहीं जा रहे थे। ऐसे में उनका नाम भी स्टार कंपेनरों की सूची में जारी किया गया है और वे भी चुनाव प्रचार करते हुए हरियाणा के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में
दिखाई देंगे। और एक और नाम जिनका टिकट कटा है, सुनीता दुग्गल का नाम, सिरसा से चुनाव उन्होंने लड़ा था पिछली बार 2019 में, सांसद बनी थी, इस बार टिकट कट गई और अशोक तंवर को मिला है टिकट। और उन्होंने कह भी दिया था एक मंच पर कि मेरी तो एक तरह से फेयरवेल ही हो गई है, लेकिन फेयरवेल नहीं हुई है, भाजपा उन्हें नहीं जाने दे रही है। अभी स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम रखा गया है और साथ साथ अशोक तंवर भी। देखिए जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है उनमें भी इक्का दुक्का प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है, उनमें राव इंद्रजीत का नाम भी है और देखिए रणजीत सिंह का नाम इस सूची में नहीं है, उन्हें स्टार प्रचारकों में स्थान नहीं मिला है। हालांकि रणवीर गंगवा और कई और मंत्री जो राज्य के हैं, जेपी दलाल का नाम भी है और अशोक तंवर का नाम भी उस सूची में शामिल रखा गया है। देखिए प्रचार युद्ध तो चलना ही है राष्ट्रीय पूरे प्रदेश में, अब बीजेपी सिलसिलेवार जो है अपनी रैलियां और रोड शो के माध्यम से जनता के बीच जाएगी। रैली और उससे पहले लगातार वे विजय संकल्प रैलियों के जरिए जा ही रहे थे। बिल्कुल, और तमाम दिग्गज भी अब प्रदेश में अब आएंगे तो देखने वाली बात होगी कि जनता इसका जवाब किस तरह से देती है और जनता को कितना ये पसंद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, कुछ महत्वपूर्ण नाम अभी अमित जी गिनाते हुए भी नजर आ रहे थे। तो हरियाणा के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक है जो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले है।